नमस्कार, मैं हूँ यास्मीन। सुशांत सिंह केस से लेकर ड्रग्स मामले तक सवालों के घेरे में घिरी रिया चक्रवर्ती से एनसीबी की टीम पिछले दो दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है और आज यानी 8 सितंबर को इस मामले में उनसे तीसरे राउंड की पूछताछ के बाद अब बड़ी खबर सामने आ रही है रिया की गिरफ्तारी पर। जी हाँ, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत को गिरफ्त में लेने के बाद अब आखिरकार एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अधिकारी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक रिया को मेडिकल जांच के लिए ले जाया जाएगा। बताते चले कि ड्रग्स मामले में पूछताछ के दौरान रिया ने कई बड़े राज खोले हैं। उन्होंने बॉलीवुड के भी 25 नाम गिनाए हैं जिसके ग्राउंड पर ही रिया को गिरफ्तार किया गया है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि रिया के साथ साथ बॉलीवुड में जो ड्रग्स का जाल है, क्या वो भी साफ होगा? क्या एनसीबी का अगला निशाना बॉलीवुड इंडस्ट्री पर होगा? बहरहाल, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में हमें मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी जानकारी इस वक्त की ये है कि रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है।